ये हुआ 11 मिनट बचा। कैसे लोग करेंगे तो, मतलब टुकड़े टुकड़े में? हाँ, जैसे अभी एक बार कर लिया छोड़ दिया, दो बार कर लिया छोड़ दिया, फिर 10 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद शिव याद पड़ गया या कोई माहौल आपको वैसा घुमाया, फिर एक बार सांस पर उसके लिए बोल तो बोलने की ये आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। सांस आई तो नमा जाने दिया, सांस गई तो शिवाय जाने दिया, खींचने की जरूरत नहीं, सांस तो चली रही जी। कई इसी तरह 11 मिनट का कुराजा हटा लिया। मतलब इधर जो आप कह रहे थे 3 साल से वही बात अब आगे चलेगी कि भाई टुकड़े टुकड़े में आप नमः शिवाय कीजिए, पांच बार एक बार देंगे, माला चलेगी, माला चलेगी तो उसको फिर गिनती माला पर बैठाएंगे। मान लीजिए कोई 11 बार की है, तो सांस पर गिनती करनी है ना माला पर गिनती करनी है, दोनों की गिनती तो फिक्स है जी। तो माला एक करेंगे ना, 24 घंटे में 21,612 आपकी सांस चलती है, 108 आदमी की गिना हुआ, 108 की माला तो पहले ही से गिन के आप गूथ के बनाए 108, तो गिनना कहाँ है। माला पर नमः शिवाय करिए, एक दाना पड़ा तो ऑटोमेटिक एक पर गया, नमः शिवाय के लिए अनुक्रम बना हुआ है, वो मंत्रों के लिए अनुक्रम। एक माला जो करेंगे तो फिर वही शिष्यानुभूति वाला फॉलो होगा कि आप कर माला करते हैं या रुद्राक्ष करते हैं, तब तो वही होगा, तो वही फॉलो होगा ना, तब वो सांस वाला हिसाब किताब तो लोग जैसे समझता है कि 108 बार सांस ले लिए, नमक ले लिए, सिवाय छोड़ लिए, हो गया। जप में गिनती होगी न सांस पर गिनती होगी, अगर उंगली पर भी कर रहे हैं आप तो उसकी गिनती नहीं होगी, वो तो फिक्स है ऑलरेडी, तो उसको गिनते कौन सी है, वो तो है कि नमः शिवाय का अनुक्रम करने के लिए उसको बनाया गया है जी। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जो गिनना कहा न सांस पर नमः शिवाय को गिनना है, न माला पर गिनना है, नमः शिवाय करते जाइए एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। तो माला पर एक बार कर लेंगे या जब करें माला करना है, वो एक ही माला अलाउड है आपको, वो बिस्तर पर करिए, जहां मन करिए, एक ही माला 24 घंटे में एक ही माला अलाउड है। और दिन में मान लीजिए कोई श्वास पर श्वास कर रहा है तो उसकी काउंट वो चलेगा, काउंटिंग दोनों में किसी का नहीं होगा, किसी का नहीं होना है, ऑलरेडी काउंटेड है तो गिन पूछे ना, पागल है क्या भाई साहब आप, ऑलरेडी गिना हुआ है 108, तो गिनती कौन सी हो रही है, मंत्रों को चलाने के लिए बना हुआ है वो जी। मान लिया जाए कि एक माला कर लिए रुद्राक्ष पर या कर माला कर लिए, सुबह में ही कर लिए, तो दिन में नमः शिवाय श्वास पर चढ़ेगा, लोग चढ़ा सकते हैं, स्वतंत्र है, रात में दिन में घर में, उसके अलावा भी एक माला के अलावा। हाँ, वही मतलब ये जानना चाह रहे थे, कम नहीं होगी सामान्य गति, ये महत्वपूर्ण है, नॉर्मल ब्रीदिंग में जाएगा नमः शिवाय, जो सांस की सामान्य चाल है उसके साथ चलिए, घटाइए ना बढ़ाइए जी, आप कह रहे हैं कि बढ़ा लेता है। हाँ, यही चल रहा है, हमको भी जानकारी नहीं थी, बाद में हमको लोग चिटाटा साहब के सुनाया तब पता चला, किताब में लिखा हुआ है सामान्य गति, नहीं नहीं मतलब ये 11 मिनट वाला उसी में लिखा हुआ है सांस की, सांस की तो कुछ नहीं कर रहा था, तो हम बोले 11 मिनट तो नमः शिवाय करो यार, कुछ कर ही नहीं रहा। जब मान लिया जाए कि कोई एक माला नमः शिवाय करता है या हम ही करते हैं, कोई भी करता है, इसके अलावा सांस पर अजबाजब किसे नमः शिवाय अगर कर रहे हैं, इसके फायदे पहले एक गणित तो समझ लीजिए आप, आध्यात्म व्यापार नहीं जी, ये विधा ही है दिमाग से दिल पर जाने की, और अरबों रुपया लोग अपने प्रेम में फूंक देते हैं, कोई हिसाब नहीं, फायदा तभी होगा जब शिव को आप गुरु मानिएगा, वैसे इसका फायदा है, जैसे नमः शिवाय शिव को प्रणाम है एक मंत्र, हैनान भी एक मंत्र है, नाम है तो मंत्र, हरेक देवता का एक नाम होता है, हरेक नाम मंत्र का एक देवता होता जी, हरिनाम भी एक मंत्र, लवली भी एक मंत्र है, रणधीर भी एक मंत्र है, मंडल जी भी एक मंत्र है, यानी किसी सत्ता का नाम है, तो मंत्र सत्ताओं का नाम है, उससे भाव सत्ताएं जुड़ी रहती, वो अच्छी हो बुरी, हमने नाम पर तुम्हारे पास कोई गया या किसी के पास गया, हम हिंदा जी के साथ रहते,
वो हमको उतना डिटेल नहीं जानता है, देहात की महिलाएं हैं, पैसा भी ठगा, जेवर भी ठगा, चल मेरे नाम पर ठग रहा है वो। हम उसको जान ना, वो हमको जानता है ना, हम उसको जानते हैं, ठग रहा जी। मेरे नाम पर जितना उसको मिला है उससे ज्यादा डिमांड अगर होगा तब वो आदमी हमसे संपर्क करना चाहेगा कि अब सर ये 5,000 मांग रहा है, ये कौन आदमी है सर। तो नमः शिवाय करके आप ये धरती का बहुत काम निकाल लीजिएगा, कहे कि आपका डिमांड कितना है। आदमी का डिमांड कितना होता है और शिव को तो मांगता नहीं, धरती मांगता है, तो नमः शिवाय इसको निकाल देगा। लेकिन धरती पर भी कुछ चीजें हैं जहां अभी नहीं निकालेगा। अब तबे आप निकलिएगा कि नमः शिवाय के देवता से आपका संपर्क हो या गुरु से संपर्क हो, दोनों अभिन्न है, तब निकालेगा। तो फायदा तो ही ना, आपका काम है कितना है। दोनों के अलग अलग, कोई शिव से नमः शिवाय कर रहा है और कोई शिव से नहीं है वो नमः शिवाय कर रहा है, दोनों का अलग अलग पैरामीटर रहेगा, अलग अलग फायदा रहेगा या एक ही दिशा में फायदा। पहले यही जान लीजिए कि नमः शिवाय मंत्र है और इसमें चैतन्य गुरु देते हैं। नमः शिवाय के देवता शिव हैं, जो शिव से अभिन्न होगा वही नमः शिवाय देने का अधिकारी है। डिफरेंट होगा ना। हाँ, कोई शिवशे से कर रहा है, कोई शिवशे से नहीं है, कोई राम का भक्त है या कोई कृष्ण का, कोई वैष्णव है, फायदा उसको भी होगा, लेकिन उस डिग्री पर, उस डिग्री चेंज हो जाएगी। कोई आपका नाम जानता है, कोई आपसे ऐसे ही लगाव है किसी को, तो दोनों के हाँ लेवल में ही फर्क आ जाएगा हर तरह के। जो आप जो हमसे जुड़ा हुआ है वो जानता है, छोटा छोटा बात कहेंगे तो बुजुर्ग सब बिगड़ेंगे, उन्हें कहेंगे वही बात। तो हमको कहेगा जब पूछता है कि हमारा कोई चारा नहीं चल रहा, तो जिनको लोगों को महादेव से संपर्क है, जिनको भी हो संपर्क है, वो छोटी छोटी बातों में कह ही नहीं सकते, लेकिन नमः शिवाय तो कर देगा। उनको तो बड़ी ही बात कही जाएगी ना, जैसे कोई शिव से अपनी आवश्यकता के हिसाब से नमः शिवाय करे, एक माला करे, या अनिवार्य है एक माला शिव से के लिए। शिव से के लिए तो माला ही अनिवार्य नहीं है, वो तो कहता है कि सांस पर प्रणाम करिए, आप 3 सूत्र करिए, शिव से के लिए माला उतराइए नहीं है। शिष्य अनुभूति क्लियर कर रही है, जो शिव के शिष्य है वो क्या करते हैं, वो क्लियर कर दे रही है। उसके तो माला उतरा जाए, माला कर्म नहीं करे, उसकी जरूरत क्या। लेकिन क्या आप शिव के शिष्य हैं, क्या आपके आचरण में शिव शिष्यता दिख रही है, क्या ये विचार आपके दिमाग से दिल में उतरा है, क्या शिव को अपना समझते हैं आप। शिव शिष्य की जो व्याख्या होगी उसमें जाइएगा ना भाई, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। क्या मतलब शिव के शिष्य जो है, तो एक तरफ कहा जा रहा है कि आप एक माला कीजिए नमः शिवाय, 108 बार नमः शिवाय करिए, एक तरफ मतलब कहा जा रहा है कि जो शिव के शिष्य, तो ये पैरामीटर तो बहुत कठिन है ना कि कौन शिव का शिष्य है या नहीं है या उस दिशा में चल रहा है। ये भैया तो इसीलिए कहा जा रहा है दोनों करिए आप, एक माला नमः शिवाय में आपको 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। वो भी बहुत है, 20 मिनट भी नहीं लगता, 20 मिनट मंत्र अनुक्रम से भाव प्रणाम कीजिएगा, 20 मिनट तो आपके पास 20 मिनट नहीं है। एक गुरु भाई है मेरा जो यहीं बैठा हुआ है, वो लैट्रिन में आधा घंटा बैठता है, तो 30 मिनट तो वही हो गया, 20 मिनट नहीं मिला जी। कटहल मोड़ में एक आदमी है जो 1 घंटा लैट्रिन में रहता है, आपको 1 घंटा 20 मिनट नहीं मिला सर, 7 मिनट तो मिला। इसीलिए कहा जा रहा आप दोनों करिए, क्या हार जाए जी। एक दार्शनिक ने कहा था कि भगवान नहीं है कि
कि भगवान है कह रहे, इसलिए प्रणाम पड़ते हो यार। मन ही रुके तुम्हारा क्या घट जाएगा, अगर होगा तो कुछ फायदे हो जाएगा है कि नहीं, इसलिए प्रणाम कहे पड़ेगा, इसे तुम घाटा क्या हो रहा है, मान लो कुछ फायदे हो जाएगा। ते भैया तो एक माला करने में आपको दिक्कत है, शीघ्र शिव के शिष्य को नहीं करना है, लेकिन रोग थोड़ी है, तो प्रणाम करने की एक विधा है, आप करिए, नहीं कर सकते दिस ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब आप सांस पर भी आप नहीं कर रहे हैं, अजबा जप के माध्यम से भी आप नहीं कर रहे हैं, आप अपने गुरु को प्रणाम ही करना भूल गए हैं, दूसरों को गुरु चर्चा सुनाते हैं इसलिए कि सम्मान मिले, सुविधा मिले, ऐश्वर्य मिले, सब मिले आपको, आपकी दिशा बदल गई है ना, कहाँ जा रहे हैं आप। आपको लोगों को शिव से जोड़ना था, उस गुरु सत्ता से जोड़ना था जो विष्णु गुरु है, जोड़ना था, आप अपने से जोड़ रहे हैं, क्यों जोड़ रहे हैं, इसीलिए कि आपका नमस्कार छूट गया है, आप अपने गुरु को प्रणाम तक नहीं करते। आपको महादेव अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगी तो लगे नहीं लगेगा तो लोगों को महादेव से जोड़िएगा आप, आपको धरती अच्छी लग रही है अभी भी, इसीलिए हमने कहा कि नमः शिवाय पर थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, करिए ठीक है, 11 मिनट का बार हटा दीजिए, बंधन हटा दीजिए, लेकिन नमः शिवाय करिएगा ना भाई साहब, जब मन करे तब करिए, एक ही बार करिए, फिर करिएगा, फिर करिएगा, फिर करिएगा, फिर करिए, अगिनती न माला की होगी न सांस की होगी, तो गिना हुआ तो गिनिए, गिन गिन कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है यार। अगर आप समझते हैं कि मैं शिव का शिष्य हूं, अगर आप समझते हैं कि शिव के लिए मेरे दिल में दर्द है, चिंता है, परवाह है, आपको नमाला पर करने की आवश्यकता नहीं। तो जो इस बात को समझ जाए या जिसका आचरण वैसा दिखेगा, व्यवहार वैसा दिखेगा कि वो सही मायने में शिव का शिष्य, अपने दिल से जानिए कि महादेव आपको कैसा लगता है, महादेव के लोग कैसे लगते हैं आपको, महादेव से जुड़ी चीजें कैसी लगती हैं आपको, आप बता सकते हैं, खुद ही जान सकते हैं। इसके लिए आगे थर्मामीटर देने का जरूरत, आप गुरु भाइयों को लूटते हैं, अपने पैसे संचय करते हैं, बचाते हैं, उनको लूटते हैं, स्पष्ट देखने वाला कहेगा इसी में से नहीं है, तो ये कोई आवश्यक है कि जो एक माला करे वो शिव का शिष्य हो ही या हो ही जाएगा, होगा ही नहीं, गजबाल है। आप कह रहे हैं कि सीढ़ी पर कोई पकड़ लिया, सीढ़ी को बैठा हुआ है सीढ़ी पर, वो छत पर जाएगा क्या, अरे ये सब साधन ना है जी, नमः शिवाय का सहारा लेते हैं, वेयर इज द मेन थिंग, शिव मेन मुख्य बात कहाँ है, तीन सूत्र सहायक हैं, अरे तो मुख्य क्या है भाई, गुरु है, बैसाखी जो आप उठाए हुए हैं तो आप चलने का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि आपके पांव हो गए हैं कमजोर, नहीं चल पा रहे हैं, तो आप लाठी लिए हुए, लेकिन याद रखिएगा लाठियां अगर चलने के लिए निमित्त ली जाए उसका तरीका है, अन्यथा लाठी बोझा हो जाएगी, भारी बना देगा तुमको, लाठी कंधे पर लेकर चलना आसान नहीं है, भारी लाठी, लेकिन उसके सहारे आप चल सकते, तो अरे ये सीढ़ियां है छत तक जाने के लिए, ये साधन है साध्य तक पहुंचने के लिए, आप सीढ़ियां पकड़ेंगे, कुछ लोग सीढ़ी का डंटवा निकाल लेता है, अगुली डंडा खेल रहा है, हाँ हाँ, एक चर्चा का
तीन को सीढ़ियां है उसमें, तीन को लेटर है, त्याग मांगना, चर्चा करना, नमः शिवाय, यही तीन को है जी। एक निकाली चर्चा करना, हाँ सीढ़ी में से चर्चा करना। होके जा रहा है फील्ड में, 2 लाख 3 लाख आदमी जीता हुआ है, होके जा रहा है, होके जा रहा है, होके जा रहा है। का है उसको बिल्डिंग चाहिए अपनी, उसको गाड़ी चाहिए, उसको सुविधाएं चाहिए, उसको ऐश्वर्य चाहिए, होके जा रहा है। अब कहेगा शिव को उपलब्ध होगा क्या, ये तो चर्चा बहुत करता है, स्वयं नरक को जाएगा, शिव से कहां से उपलब्ध होगा, अगर नरक होता होगा तो हमको नहीं मालूम, सारा कुत्ता है, शिव से कैसे हो गया। अरे सीढ़ियां बनी थी शिव तक जाने के लिए, क्या आप शिव के शिष्य होना चाहते हैं, क्या शिव से जुड़ना चाहते हैं आप शिष्य के रूप में, तब नहीं साधन काम करेंगे, जुड़ना ही नहीं चाहते हैं तो शिव से क्या करेगा आपका। ये तो सहारा दे रहा है, मुख्य बात तो यह है नहीं, आपका मन शिव की ओर नहीं जा रहा, इसीलिए आप मदद ले रहे हैं। शिष्य अनुभूति क्लियर करती है, केवल अस्थाई शिष्य भाव अनिवार्य है, पूरी शिष्य अनुभूति में एक ही जगह अनिवार्य शब्द का प्रयोग हुआ, एक ही जगह बस यही, और सब जगह आवश्यक है, अपेक्षित है, यही सब शब्द का प्रयोग हुआ है। केवल साफ कहती है, केवल अस्थाई शिष्य भाव अनिवार्य, इतना ही कहती है, ना वो तीनों सूत्र के बारे में बोलती है, ना कुछ बोलती है, ना नमः शिवाय के बारे में बोलती है, केवल 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 का माने केवल होता है, केवल अस्थाई शिष्य भाव, अस्थाई शिष्य भाव तो साला अस्थाई पति भाव नहीं रह रहा है, अस्थाई पुत्र पिता भाव नहीं रह रहा है, अस्थाई माँ का भाव नहीं रह रहा है, बूढ़ी होने पर माँ बेचारी भूखे मर रही है और बेटा बंगलोर में डांस कर रहा है, ये भाव नहीं रह रहा है, इसीलिए कहा सहारा लो, किसी चीज की जरूरत नहीं, नमः शिवाय की जरूरत नहीं, कहें पांव ठीक है तो भी लाठी को क्यों लेगा, सहारा क्यों लेगा, हमारा मन अपाहिज है इसीलिए इसको दिया जाता है, विकलांग है, अध्यात्म में नहीं चल सकता है, अध्यात्म के नाम पर विकलांग है, धरती के नाम पर तो बहुत ठीक है।